अवामी रैलाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं और ये अवाम की जंग लड़ने के लिए हमारी नौजवान क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मैदान में आ चुके हैं और इंशाल्लाह आपने आज देख लिया, यहाँ समंदर देख लिया, अवामी समंदर देख लिया। अब ये अवामी समंदर के सामने कोई दरो दीवार उसके सामने रुक नहीं सकते, कोई बंद नहीं रुक सकता है। अवाम की पता, अवाम को रिलीफ देने के लिए, अवाम के दुख दर्द जख्म को मरहम देने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मैदान में आ गए हैं और इंशाल्लाह ये फतह अवाम की होगी और ये आखिरी जंग है और ये जंग उस वक्त तक हम लड़ेंगे। आखिरी जंग नहीं है, हमने शुरुआत की है, लेकिन ये जंग अवामी जंग है और फतह अवाम की होगी और अवाम की जो है ना नुमाइंदगी के लिए हम जा रहे हैं। उनको महंगाई, बेरोज़गारी, ये लानती जो इन्होंने जब से ये आए हुए हैं ये सब चीज़ें इन्होंने लोगों को जो दुख दर्द दिए हैं, इंशाल्लाह इनके दुख दर्द को जख्म करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और फतह अवाम की होगी और अवाम ही फतेहमंद होगी और इंशाल्लाह ताला ये आज आपने समंदर देख लिया, अवामी समंदर देख लिया और ये अवामी समंदर वो समंदर है जो इसकी इतनी गहराई है कि कोई भी उस पर ना तैर सकता है। ये फकत ये समंदर बिलावल भुट्टो जरदारी के अवामी समंदर, ये इसमें डूबने के लिए फकत इमरान खान न्याजी और उसका टोला होगा और इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के क़यादत में और अवामी फतह होगी।